मिल जाओगे तुम मिट्टी में जो अब भी हिम्मत हार गए, पहुंचोगे दूर ऊंचाई पर जो इस डर को मार गए। है वही सिकंदर जीवन का, बहादुरी से जिसकी प्रीत है, ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीते। दोस्तों स्वागत करता हूं VAAIC चैनल में, मैं अमित कुमार सोनी। दोस्तों चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों शिक्षा से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं मैं समय समय पर आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होता हूँ। आज की जो न्यूज है वो अतिथि शिक्षकों से संबंधित है और उनके लिए अच्छी न्यूज है। दोस्तों हम जानते हैं कि अतिथि शिक्षक लगभग 15 सालों से अपनी ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं विद्यालयों में और सरकार की पूर्णतः ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय से उनकी मांग रही है कि उनको नियमित कर दिया जाए, क्योंकि तो इतना समय हो गया है लगभग 10-15 साल और अब इतनी ओवर एज भी हो गए हैं कई कि अन्य नौकरी नहीं कर सकते, केवल इसी में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो बिल्कुल वाजिब भी है कि उनका नियमितीकरण तो बनता है। तो दोस्तों कई सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी ने भी नियमितीकरण करने की दिशा में कोई भी सकारात्मक प्रयास नहीं किए। हालांकि काफ़ी समय से कई आंदोलन किए जा रहे हैं, समय समय पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हमेशा जो है संघर्ष का परिणाम अच्छा होता है और मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों अब आप लोगों का समय आ गया है, अतिथि शिक्षकों का समय अच्छा आने वाला है। एक सकारात्मक न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है इन पर ध्यान दे रही है। इतनी ज़्यादा आंदोलन और अभी हाल ही में काफ़ी कुछ विध्वंसक स्थितियां भी हमने देखी हैं। लगभग 60-65 के आसपास अतिथि शिक्षकों की अकाल मृत्यु हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव प्रभाव इस कोरोना ने भी डाला है, इस कोरोना काल में भी जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। दोस्तों सरकार ने अब सुध ली है, वो अतिथि शिक्षकों की बातों को, उनके संगठन की बातों को, उनकी जो भी उद्देश्य हैं उनको ध्यान से देकर के सुन रही है। तो इसी संबंधित में एक अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बाढ़ आ गई थी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में, तो वहीं पर सीहोर जिले के शाहगंज में अभी शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और वहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों के संघ द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया। तो वो ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने, शिवराज सिंह जी ने क्या कहा उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊं। उससे पहले आप उनका ज्ञापन देने वाला ये वीडियो देख लें। दोस्तों यहाँ पर शाहपुर में मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन देने के बाद में वहाँ पर उनके संघ के सदस्यों के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें अपनी समस्याएं बताई गईं। तो दोस्तों दो समस्याएं थीं, एक समस्या तो ये थी कि उनको पिछले माह का जो वेतन नहीं दिया है वो वेतन दिया जाए, और दूसरी समस्या जो नियमितीकरण की है उसका संज्ञान तो मुख्यमंत्री जी को भी है। ये वाली दो समस्याएं उनके सामने रखी गईं और हमेशा से यही रखती आ रहे हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने उनसे, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनकी जो भी रुकी हुई सैलरी है, जो भी वेतन है, वो इनका तुरंत रिलीज़ किया जाए। और उसके बाद में उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि अब नियमितीकरण से संबंधित एक समिति का गठन किया जा रहा है और इन समिति में उनके संबंधित पदाधिकारियों को बुला करके बातचीत करके कोई भी एक ठोस निर्णय निकाल करके निर्णय लिया जाएगा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए।
तो दोस्तों अब ऐसा लगता है कि अब इस दिशा में भी गवर्नमेंट सोच रही है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। अब इसमें एक बात और है कि अभी जो है आंदोलन के लिए कई संगठन हैं, तो जो करणी सेना है वो भी अब इसमें आगे आई है कि अतिथि शिक्षक जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं, तो उनको नियमितीकरण के लिए उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को हाल ही में पत्र लिखा था। तो मैं आप लोगों को उस पत्र के बारे में बता देता हूं, दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। तो वो पत्र इस प्रकार से है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और विषय है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग के बाबत। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को अवगत कराएं कि अतिथि शिक्षक लगभग 13-14 वर्षों से स्कूलों में अपनी सेवाएं अति अल्प वेतन में दे रहे हैं, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। शोषणकारी नीतियों से हार कर प्रदेश के करीब 57 अतिथि शिक्षक आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं, अतः अतिथि शिक्षकों की निम्न मांगों का निराकरण कर अतिथि शिक्षकों के भविष्य को अंधकार से बचाया जा सके तथा अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का कष्ट करें। ये मांगे हैं, नियमितीकरण कर 12 माह का सेवा काल, लॉकडाउन अवधि का मानदेय और रुका हुआ वेतन तुरंत दिया जाए। तो दोस्तों ये उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। तो अब काफ़ी संगठन हैं जो कि अतिथि शिक्षकों की सपोर्ट में आ चुके हैं, और अभी हाल ही में 5 सितंबर को जेल भरो अभियान आंदोलन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, उसमें आप उसकी पूरी डिटेल देखें कि क्या प्रोग्राम रहा है, कैसा रहा है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी कि अब एक सकारात्मक दिशा में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जाना है। उपचुनाव भी हैं, तो उपचुनाव से पहले पहले एक प्रकार की समिति का गठन करके और कार्यविधि को स्टार्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए समाचार के साथ, जो भी कुछ होता है आगे मैं आप लोगों को समय समय पर बताता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।